Hello, future officers. My name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. जो आपका फिफ्थ टॉपिक है बच्चे, दिस इज आई हैव एडेड एज अ सेल्फ रीड टॉपिक है ना, इसको हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे. हम लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ये इंडिकेटर है बाय द वे आपके लिए, राइट. एक क्लास जब होती है ना, शेड्यूल होती है, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, पढ़ता है उसको कोई? क्यों, मैं अपने फन के लिए करी जा रहा हूँ. नहीं पढ़ते. अच्छा, उसमें एक हिंट होता है कि क्लास में क्या होने वाला है, राइट, कि हम किस तरफ को जाने वाले हैं. तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि आउट ऑफ 13 टॉपिक्स एक आपका सेल्फ रीड होगा, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस वन वॉज दैट टॉपिक, राइट. देख लिया करो उसको भी. आइए चलें शुरू करें. अगेन ये वाला जो टॉपिक है ये यूपीएससी फेवरेट टॉपिक है. इसके अराउंड वो कुछ ना कुछ जो है वो पूछ ही लेते हैं. और 2022 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी आया हुआ है, राइट. तो हम इसको हर तरीके से कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, राइट. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि देर इज़ अ 40% इंक्रीज इन द एलिफेंट कॉरिडोर्स, राइट. एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? As a strip of land that enables elephant movement between two or more friendly habitats. ठीक है, क्यों ये important है? Is because अब जो हमारे habitats है ना बच्चे, they are fragmented. किसी भी wildlife species और खासकर वो जो घूमते फिरते रहते हैं है ना, तुम जैसे, इनके habitats segmented है, right? तो अलग अलग उसमें divided है. तो इसके बीच में वी नीड सर्टन प्रोटेक्टेड कॉरिडोर्स जहाँ पे ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये ट्रेन से ना टकराएं, है ना, कोई सड़क ना जाए यहाँ से. तो हमने बहुत सारे कॉरिडोर्स डिवाइड कर रखे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर इंट्रा स्टेट, कि एक स्टेट के अंदर के अंदर ही हैं. सम ऑफ देम आर इंटर स्टेट एंड अ फ्यू ऑफ देम आर इंटर, आपका इंटरनेशनल, इंडिया और नेपाल के बीच में है ना, भूटान के बीच में. तो कुछ कॉरिडोर्स हमारे इंटरनेशनल भी हैं. क्यों हम ये कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एक तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से, दूसरा हमारी ही मिस्टेक की वजह से इनके जो हैबिटेट हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए हैं. सो वी नीड टू गिव देम दी एक्सेस कि तुम इस वाले फ्रेगमेंट में जा सको, इस वाले में जा सको, राइट. सो दैट इज़ वाई वी हैव एलिफेंट कॉरिडोर्स. अब इन कॉरिडोर्स के ऊपर एक डेटा आया है, राइट, उसको देख लेते हैं. प्री के अंदर ये किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया क्लियर रखना इसके लिए. सिक्सटी न्यू कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, राइट, कि कहाँ कहाँ से वो निकलते हैं. और बाय द वे एलिफेंट क्योंकि एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है, वो टिकते नहीं है. मतलब अगर मान लो उन्होंने आज ये वाला कॉरिडोर चुन लिया ना, और रास्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एनीवे वो लोग पहुँच गए, वो दोबारा नहीं आएंगे उस रास्ते पर, दे विल फाइंड अ न्यू कॉरिडोर. सो वी हैव टू अपडेट रेगुलरली. दैट इज़ वाई इसके अंदर मैंशनड है कि इस सर्वे ने 60 नए कॉरिडोर आइडेंटिफाई करे हैं.
एक काम ना करें यार, उससे पहले थोड़ा सा एलिफेंट पे ट्रिप कर लेते हैं, है ना, कुछ कुछ लिख लेते हैं उसके बारे में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये हाँ ये है, 2020 में भी ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था ये, बाय द वे प्री का क्वेश्चन है, इसको भी देख लो एक बार। पढ़ लिया? अब सबसे पहले तो इसमें काम आपका आसान यहां आखिरी स्टेटमेंट में होगा, द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, है ना, छोटी स्टेट है केरला और हाईएस्ट पॉपुलेशन वहां पे नहीं है। जस्ट इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कर्नाटका को हाईलाइट किया गया था, कर्नाटका हैज़ दी हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, तो एक स्टेटमेंट आपके यहाँ से कट गई। उससे पहले ये करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ इसको अंडरलाइन हमेशा कर लेना कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? हाँ वन एंड वन, मतलब ये थोड़ा घुमाने वाला पॉइंट है, बस इसमें फ़र्क है कि 45 ईयर्स तक होता है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, राइट। सो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज वाई वी राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि सवाल अल्टीमेटली आपके पास इस टाइप का आना है। उसने एलिफेंट्स के ऊपर बेसिकली सवाल एक पूछा है, लेकिन उसमें चार क्वेश्चन है, इसलिए यूपीएससी का एग्जाम टफ है, 100 क्वेश्चन नाम के हैं, वो पूछता 400-500 है, 400-500 इन्फॉर्मेशन चेक हो जाती है वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से दैट इज वाई वी राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे G20 के ऊपर लास्ट में हमने किया था, है ना, टॉपिक छोटा ही है लेकिन उसने स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया और स्टेटमेंट दे दी दो इस क्वेश्चन में दो उस क्वेश्चन में, राइट। हाँ ये सारे ये दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी, मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड इन्हीं का है, आपके एलिफेंट्स का। जुनेजा जी इसमें डॉक्यूमेंट आपका अटैच्ड है, ये क्लास से मिनिमम 2 घंटे पहले अटैच हो जाता है और पिछली कुछ 4 क्लासेस से तो शाम को ही हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाएगी ये चीज़। एट द एंड ऑफ द क्लास नहीं, आपको क्लास से पहले ही ये डॉक्यूमेंट है, यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट एंड सिट इन द क्लास, अगर आप लोग ऑनलाइन लगा रहे हैं ना तो दिस इज द डॉक्यूमेंट, आपके पोर्टल के ऊपर ही मिल जाएगा। आप लोगों ने तो अच्छा इसीलिए भी नहीं खोलते आप लोग पोर्टल, क्योंकि आपको तो यही मिल जाता है ना। बाकी अगर आप रात को चेक करो उसको तो यू कैन कम इन द क्लास प्री पेयर्ड, राइट, प्री इक्विप्ड आ सकते हो आप, तो आपकी लर्निंग थोड़ी सी डेफिनेटली इंक्रीज तो होगी। छोटा सा डॉक्यूमेंट है ये, 15-20 मिनट की रीड है ये हार्डली। आइए बच्चे लिख लेते हैं इसके ऊपर अबाउट एलिफेंट, फिर देखते हैं कॉरिडोर्स के ऊपर। इसमें भी कुछ प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते हैं जो घुमाए जा सकते हैं। इट इज द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन इज फ्रेगमेंटेड बट आई विल ट्राई टू कंसोलिडेट यहीं पे, आप पॉइंट्स में लिखना। दे आर कंसिडर्ड एज कीस्टोन स्पीशीज, नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हालांकि ये वो लड़के होने चाहिए जो हॉस्टल में रहते हैं, नेचुरल हेरिटेज एनिमल। लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, इट हैपेंड ऑन संडे ओनली, क्यों मैंने ये स्टेटमेंट दिया। सो देर वॉज दिस इवेंट ऑर्गेनाइज एंड उसके अंदर पोइट्री के लिए दे इन्वाइटेड 5 जजेस, है ना, कि कुछ पोइट्री इवेंट हो रहा है, अच्छे लेवल का इवेंट, ऑडिटोरियम वॉज फुल। अनलकीली आई वॉज वन ऑफ देम, वाई अनलकीली आई टेल यू। तो वहाँ पे उन्होंने सारे बैठे हैं, उन्होंने चाय सर्व करी है और हम 5 लोगों ने चाय पी है, हम 5 में से एक तो डिस्चार्ज हो गया है, 2 को फूड पॉइजनिंग हो रखी है एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि व्हेन द क्लॉक विल टिक, राइट। आई हैड सिम्टम्स बट आई एम स्टैंडिंग हियर, लेट सी कब ये बम फटने वाला है, मुझे नहीं पता। जब हमने उनसे पूछा, मतलब उनको तो क्या ही पूछना है, जब पता लगा बाद में, सो इवेंट शाम को 5 बजे था, टू मैनेज इट बेटर दे मेड द टी 11 in the morning। एक की छुट्टी हो चुकी है, आई जस्ट गॉट अ मैसेज, आपके आने से पहले जस्ट मेरे को मैसेज मिला था, तो मैं कहा अपनी वो दवाइयों वाला पर्चा मुझे भेज दे,
कभी भी जरूरत पड़ सकती है. सो या नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, कीस्टोन स्पीशीज. क्यों इसको कीस्टोन स्पीशीज बोला है कि बिकॉज एक तो ये हैवी ग्रेजर्स हैं, राइट. और हैवी ग्रेजर्स क्या होता है, तो एक तो हैवी ग्रेजिंग करते हैं, तो इसका मतलब जो सीड्स हैं जो वो खाएंगे वो बहुत दूर तक स्प्रेड करते हैं. प्लस जो सनलाइट है दे हेल्प की ये पेनिट्रेट हो जाए आपकी जमीन तक, इस वजह से ये कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज इंडिया हैज द लार्जेस्ट वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स पॉपुलेशन. ब्रैकेट में लिख लो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. ब्रैकेट में लिख लो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. इट इज क्लोज टू 30,000 बाय द वे. प्रोजेक्ट एलिफेंट की ये भी अचीवमेंट है. जब प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था तो पॉपुलेशन वॉज क्लोज टू 25,000, 22 या 25,000, अब 30,000 हो गई है. तो ये एक सक्सेस है हमारे लिए. एंड कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, फॉलोड बाय एक वो नेशनल पार्क है एक, मतलब हाँ, फॉलोड बाय असम एंड केरला. केरला इज ऑन थर्ड. IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड, IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, रॉयल बंगाल टाइगर की तरह. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ईयर कौन सा है इसका? क्या बात है. आई मैं दुआ करता हूं आपको कभी भी खराब चाय ना मिले. 1972 शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1, ये कन्वेंशन ऑन वो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. साइट्स CITES साइट्स अपेंडिक्स 1. कीस्टोन इसलिए भी हैं, अगर इनको ज़्यादा प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, तो ये खोद के निकाल लेते हैं. तो अदर स्पीशीज़ के लिए वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड बन जाता है. तो कीस्टोन स्पीशीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं. व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये सवाल आ सकता है, व्हाई एलिफेंट इज़ कंसिडर्ड अ कीस्टोन स्पीशीज़. तो जिस स्पीशीज़ के ऊपर मैक्सिमम स्पीशीज़ डिपेंडेंट होती है वो ऑटोमेटिकली कीस्टोन स्पीशीज़ बन जाता है. दैट इज़ व्हाई अगर आपकी ग्रुप ए पोस्ट होती है तो आप को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है. हाउ एवर यू वर्क लेस देन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ. वो सुबह 6 बजे आता है, ऑफिस खोलता है और रात को 8 बजे जाता है आपके जाने के बहुत बाद में, और बहुत पहले आता है. साफ सफाई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है, लेकिन उनके काम के ऊपर सिर्फ ऑफिस डिपेंडेंट है. आपके काम के ऊपर जनता डिपेंडेंट होती है, पॉपुलेशन. दैट इज़ वाई यू आर पेड मोर, राइट. जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस किसी पोस्ट के ऊपर उतना ज़्यादा रेमुनरेशन. आइए रिपोर्ट पे वापस आते हैं बच्चे. आई थिंक एलिफेंट्स रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इसमें कवर हो चुकी है. इसके बाहर कोई पूछ नहीं सकता इसके ऊपर. एलिफेंट्स के ऊपर इतना डन है. प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर सवाल आ सकता है, वो हम अभी देख लेते हैं इवेंचुअली, राइट. चलिए बच्चे थर्ड पॉइंट आइए, ये मार्क कर लेना. वेस्ट बंगाल हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स. हाउएवर पॉपुलेशन कर्नाटका में ज़्यादा है, कॉरिडोर बंगाल में ज़्यादा है, अकाउंटिंग फॉर ओवर 17%. नेक्स्ट पॉइंट कॉरिडोर मैपिंग. उसने बताया हुआ है कि 4 ज्योग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है. इससे आपको यही पता लगेगा कि एलिफेंट पॉपुलेशन है कहाँ कहाँ. नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल एंड सदर्न. नेक्स्ट पॉइंट 84% ऑफ आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स अकर विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, मतलब मैक्सिमम आपकी इंट्रा स्टेट होगी.
13% are interstate that extend into two or more states. And last is 6 transnational. उसी में नीचे गिवन है लास्ट में ट्रांसनेशनल कॉरिडोर्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. थर्ड लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे बच्चे उसमें उन्होंने बोला 10% ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर्स हैव बिकम इंपेयर्ड एंड 10% इज अ ह्यूज नंबर है ना. अब क्योंकि 10% इम्पेयर हो गए तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है, मेंस के अंदर आएगा इस टाइप के ऊपर. एलिफेंट कॉरिडोर से रिलेटेड जो सवाल है वो मेंस के अंदर पूछा जा सकता है. आज से 2 साल पहले भी एक बार हिंट ऐसे शुरू हुई थी, हवा चली थी कि एलिफेंट कॉरिडोर जब नया कॉन्सेप्ट ये पॉपुलर होना शुरू हुआ था, बट अभी तक आया नहीं है सवाल उसके ऊपर, आ सकता है. मुद्दा क्लियर रखना, वो इसीलिए मैंने वो डायग्राम सा बना के दिया था आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, क्यों करना है इसको. राइट, आंसर आपका यहीं से निकलेगा कि इसलिए मेंटेन करना है इसको. अब इसमें कुछ भी डालते रहो कि स्टेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. अब मैं जैसे बता रहा था कि अगर मान लो यहाँ से रेलवे लाइन जा रही होगी तो आपको रेलवे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी. राइट, और अगर हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे जा रहा है तो स्टेट से बात करनी पड़ेगी, नेशनल हाईवे जा रहा है और पहले से बताना पड़ेगा उनको. एक तरफ हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि ये वाली जो डिबेट है वो हमेशा से चलती रहेगी कि इंडिया को किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है. राइट, चंद्रयान के टाइम पे भी सेम डिबेट उठी थी है ना. इस बारी वैसे तो घर से ही उठती थी पहले, इस बारी बाहर से उठ गई. और जब भी हम कॉमन एनिमी इंट्रोड्यूस करते हैं तो घर एक हो जाता है ना. आपके मम्मी पापा के कलेश बंद हो जाएंगे तब जब आपके पड़ोसी ने किसी आपको कुछ बोल दिया, उस दिन आपके घर में आपस में कलेश नहीं बढ़ता, उस दिन पड़ोसी इज द मैटर. अ कॉमन एनिमी यूनाइट्स इवन दी फियरेस्ट एनिमीज. ये बड़ा सिंपल सा फंडा होता है ये. राइट, यहाँ तक कैसे पहुँचे हम, क्या बात चल रही थी, डेवलपमेंट. यस राइट, सो हमेशा ये डिबेट आपको देखने को मिलेगी कि यार आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए लेकिन आप डैम्स नहीं बना पा रहे. आप एक तरफ आपने पॉलिसी बना दी ये पावर प्लांट्स बंद कर दो, थर्मल पावर प्लांट्स है ना, और एसी वाले कमरे में बैठ के पॉलिसी बना दी. आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक कार्स ले आओ है ना, अब उसको चेंज करने के अंदर भी कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है, चार्ज कर आप फिर कोयले वाली उससे कर रहे हो. राइट, सो इस टाइप की डिबेट्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगी. एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है हमने लेकिन हमारी ग्राम सड़क योजना भी चल रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी चल रही है, हम हर सड़क मतलब हर गांव तक सड़क पहुंचाना चाह रहे हैं और गांव यहाँ हैं उनके हैबिटेट के अंदर, अब सड़क जाए या ना जाए. राइट, सो इसके ऊपर आप बहुत माइंड अपना क्लियर करके रखना कि क्या मुद्दा होना चाहिए. आई कैन हेल्प यू इन दैट बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू राइट नाउ. इसकी एक अपनी जर्नी है कि उस ओपिनियन तक आप कैसे पहुंचोगे, बीच में घूमोगे इधर उधर. राइट, दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक दी टेलीपोर्टेशन वे ऑफ ट्रैवलिंग कि कोई मुझे यहाँ से उठा के काजा में फेंक दे. नहीं, आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट. राइट, आइए बच्चे आगे देखते. लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग वन, डिक्लाइन इन यूसेज. 29 कॉरिडोर्स हैव रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन एलिफेंट यूसेज. ठीक है, और प्राइमरीली इसमें लिखा हुआ ड्यू टू एनरोचमेंट माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. प्लस इसमें एक और कारण भी है, लिख लो जानते, प्लस एलिफेंट्स चेंज देयर हैबिटेट्स. अब घूम लिया कसौली कितनी बार जाओगे. थैंक यू कोमल फॉर द सजेशन. ये चाय वाली स्टोरी पे सजेशन आने लग गए मुझे ऑनलाइन कि इलाज. थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न. थैंक यू बच्चे इसके बाद में लेट अस राइट अबाउट एलिफेंट कंजर्वेशन कि इंडिया में हो क्या रहा है इसको बचाने के लिए. हेडिंग डाल लीजिए कंजर्वेशन एफर्ट्स. नंबर वन इंडिया, फिर वर्ल्ड वाइड देख लेंगे. इंडिया के अंदर सब पॉइंट 1 गज यात्रा.
GAJ यात्रा, गज यात्रा, GAJ। ये अवेयरनेस कैंपेन है, कुछ नहीं है, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन, बस इतना लिख लो। एक्चुअल कोई यात्रा नहीं है जिसमें हाथी से जाके लेके जाते हैं। हाँ, इट्स अवेयरनेस कैंपेन। सेकंड इज प्रोजेक्ट एलिफेंट, कोई बंदा अगर मुझे बता दे इसका साल। चलो 60s नहीं है, 70s नहीं है, 80s नहीं है, 1992 लिख लो। इसमें तो क्या ही गेस करोगे यार नंबर। ऐसे मुझे इनक्विजिटिव चेहरे देख के इतना मजा आता है ना कि जैसे मेरी जुबान पे ये मैं अभी बोल दूंगा। आइए, इनिशिएटेड इन 1992, विथ थ्री ऑब्जेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहां पे खेलेगा, विथ थ्री ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, कॉमा हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। ठीक है, नंबर टू, to address issues of man animal conflict, ek particular category missing hai isme, third wala kya ho sakta hai, socho zara, dudao dimag, elephants protect karne hai, habitat bacha liye, corridors bacha liye, human conflict nahi hoga, एलिफेंट्स की डेवलपमेंट, फॉर एलिफेंट्स, वो इसमें ही आ गया, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स में आ गया, वो आ गया। सर्कस गए हो? हाँ, वेलफेयर ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट्स, वो है वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, वो भी इंक्लूडेड है इसमें, बिकॉज एलिफेंट एक कल्चरल चीज है और साउथ में महावत कल्चर है कि एलिफेंट के पैदा होते ही उसके साथ में एक ह्यूमन अटैच हो जाता है और वो सिबलिंग की तरह ही होता है एंड साथ में ही बड़े होते हैं, तो यू कैन नॉट, उनको अलग नहीं कर सकते हो और बड़े अच्छे से पाले जाते हैं वो, राइट? तो उनके वेलफेयर के लिए भी इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एजेंडा है, एक ऑब्जेक्टिव है। कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसकी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की? एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सेकंड इज वर्ल्ड वाइड, हमने इंडिया के देख लिए, तो गज यात्रा और प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड, एक तो वर्ल्ड एलिफेंट डे अवेयरनेस के लिए, कब होता है यार ये मैं भी भूल गया हूँ सच में, ये देख लेना एक बार, अगस्त में होता है, देखो देखो बता दो मेरे को भी, वर्ल्ड एलिफेंट डे, एक तो ये है इसके लिए अवेयरनेस होगी उस दिन। नेक्स्ट वी हैव माइक, MIKE, 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त, अभी हिमाचल वालों ये आ सकता है पेपर में तुम्हारे, 12 अगस्त लिख लिया ना, ठीक है। मेरी, मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बंदे की सिलेक्शन हो जाए हिमाचल में, घूमने फिरने में आसानी होगी, है ना, उनके PW। नहीं नहीं वैसे आना यार, हो जाओ सिलेक्ट, मैं दे रहा हूँ दुआ, ले लो यार, वो है ना, वो एक एक गुरदास मान का गाना है कि तेनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे, बंदे ने सामने से बोल दिया तुम्हारी सिलेक्शन, कह रहे नहीं ऐसे, नहीं नहीं कर लो, PWD के गेस्ट हाउस की लोकेशन अल्टीमेट, मतलब उससे ऊपर मेरे हिसाब से ऐसी ऐसी लोकेशन पे उन्होंने गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं ना,
बिकॉज दे डू नॉट नीड द परमिशन एंड गो थ्रू एंड हैव टू गो थ्रू दी सेम थिंग्स जो अगर कोई प्राइवेट करना चाहे तो. ऑलराइट, माइक, MIKE, माइक प्रोग्राम. इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे हम, माइक प्रोग्राम. ये कम आता है क्योंकि स्टैटिक के अंदर, वर्ल्ड वाइड है ना. मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक. पॉइंटर्स लिख लो इसी के नीचे, शॉर्ट नोट लिख रहे हैं बाय द वे हम. एस्टैब्लिश्ड बाय साइट्स, CITES कैपिटल्स में, एस्टैब्लिश्ड बाय साइट्स, CITES इन 1997. उनकी COP के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में. Aims to build, next is, aims to build institutional capacity within the range states बाकी स्टेटमेंट तो लंबी की जा सकती है. For the long term management of their elephant populations, but आप समझ गए हो क्या बात कर रही है. Capacity increase करनी है वहाँ पे. इस type के program के बाद में ही we have seen the armed guards, right? तो इस program के बाद में वो चीज़ें शुरू हुई थी. Mike sites in India. List बना लेते हैं. ये list इसलिए भी important है, otherwise वैसे तो ये list important नहीं है इतनी, पर आपको थोड़ा सा दो तरफा तलवार है ये, दो फायदे दे सकती है ये. एक कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है. दूसरा, इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक साइट, राइट? क्योंकि बायोस्फेयर हॉटस्पॉट्स कवर हो चुके हैं, बायोस्फेयर्स कवर हो चुके हैं, राइट? इसके अलावा आपके नेशनल पार्क्स कवर हो चुके हैं UPSC के एग्जाम्स के अंदर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो 500 से ऊपर हैं, तो वो कवर नहीं करनी है, राइट? ये गिनी चुनी है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, कम कवर होता है. लिख लो बच्चे. चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व. एलिफेंट रिजर्व इज कॉमन टर्म इसके अंदर ना, तो आप ER लिख सकते हो. CHIRANG चिरांग डैश RIPU. दिहिंग पटकई ER एलिफेंट रिजर्व. सेकेंड इज दिहिंग पटकई DIHING PATKAI. दोनों असम में, लिख लो ब्रैकेट में असम. देओमली DEOMALI देओमली एलिफेंट रिजर्व. अरुणाचल. ये तो बता देना कहाँ है. गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व. मेघालय. ये जो आंसर बोलते हैं, समझना इस बात को, जो ये थोड़ी सी मन में हिचक आती है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है. जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो आखिरी के 15 मिनट में तुम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, जो वही हिचक का बाय प्रोडक्ट होता है वो. ये जो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है ना, तो लास्ट में क्योंकि पैनिक हो रहा होता है, दौड़ रहे होते हो तुम तेज तेज, तो लास्ट में तुम्हें आप काउंट करते हो कि यार शिट 65 ही तो किए हैं, सर ने कहा था मिनिमम 75 करने हैं. फिर आप एक रेल बनाते हो दोबारा,
कि मार ही देते हैं इसका भी, ये मार ही देते हैं इसका, है ना। तो ये वो उस हिचक का कारण होता है, ये उसका एंड प्रोडक्ट होता है ये, कि जो लास्ट में पैनिक स्टेट के अंदर ज़्यादा मार्क करते हैं, करते फेस इस चीज़ को अब जो मैं बोल रहा हूँ कि सारा पेपर हो जाता है, लास्ट लास्ट में जाते जाते बस ऐसे ही दो चार तीर छोड़ के आ जाते हो आप, ऐसे ही जस्ट बिफोर गिविंग द पेपर, जिस समय आपको बंद करके पुठा करके दूर रख देना चाहिए था, एक अंदर आपके एक आंटी बैठी होती है, तो वो आंटी आपको फोर्स करती है कि उठा दे किसे दोबारा और मार दे, मार दे क्या हो गया, अगर मैं चार मारूंगा इसमें से एक भी सही हो गया है ना, तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा या न्यूट्रल रहेगा, तो तू मार दे, देखी जाएगी। तो उस समय वो आंटी आपको बहुत हिम्मत देती है और आप मार देते हो, लास्ट में जब आप उसको काउंट करते हो तो आपको समझ में आता है कि चारों नेगेटिव थे, और इसके अलावा जो आपने पहले मारे हुए थे है ना, उसमें भी आपने सोचते सोचते कुछ गड़बड़ कर दी है, राइट। इसीलिए दिस इज द रीज़न बंसल सर आपको टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना उस आंटी से मुलाकात होती है रेगुलरली, आप उस आंटी को जान पाते हो जो आपको तंग करती है, जो कमेंट करती है ना और पुश करती है आपको। दिए एग्ज़ाम्स आप लोगों ने, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये सब अभी तक कोई नहीं दिया, दिए हुए हैं ये लोकल वाले जो होते हैं, भरी दिया करो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, थोड़ा इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे, जब आपको अगर आपने शूज़ पहन के चले गए आप और कोई पंजाब का पेपर है या हरियाणा का पेपर है उनका बस चले, वो तो भाई जिस हिसाब से वो चेकिंग करते हैं ना, तौबा है हरियाणा के पेपर में चेकिंग के लिए। सो आई एम अवेयर कि चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है हरियाणा में, और फॉर दैट मैटर SSC वगैरह के अंदर बहुत टफ चेकिंग होती है। सो डेलिब्रेटली बच्चे कुछ ऐसा पहन के जाते हैं कि जिसमें चेकिंग में कोई इशू ही ना आए। सो आई रिमेंबर वन पेपर राजस्थान में था वो, सो मैं वहाँ अभी पहुँचा हुई सेंटर पे, मैं देख रहा हूँ कि यार ये बच्चे ये बनियान में क्यों घूम रहे हैं सारे, ये ऐसा हो क्या गया, और सब ने बाहर चप्पलों का ढेर, शूज़ का ढेर लगा हुआ है। एंड देन आई केम टू नो कि इन्होंने यही पॉलिसी बना ली कि या तो हम कैंची से आपके कॉलर्स काटेंगे आपकी टी शर्ट के, हो सकता है कॉलर में कुछ छुपा हो, है ना, या फिर यू रिमूव इट। सो जो लोकल बच्चे थे दे रिमूव्ड इट, बाकी सब कटे हुए कॉलर से बाद में घूम रहे से, दीज काइंड ऑफ। अब इस इन्वायरमेंट के बाद में आपने अंदर जाके परफॉर्म करना है, वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। अब ये तो बॉयज का हाल है, अब जो खुले वालों में वहां पे लड़कियां माता बन के घूम रही थी, नो हेयर बैंड नथिंग, कुछ भी नहीं आप यूज कर सकते हो, सबके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, चप्पलें हैं नहीं, है ही नहीं, नंगे पैर, राइट। और मुश्किल हो जाता है ऐसे मौके पे, और इस माइंडसेट के बाद में आप ये सब देख रहे हो, आपके साथ हो भी गया, आपके कॉलर कटे हुए हैं आपके, है ना, स्लीव्स कटी हुई हैं, इफ यू आर वेयरिंग अ फुल स्लीव तो उन्होंने स्लीव्स भी काट दी थी, तो फुल फैशन अपडेट वहाँ पे हो गया, है ना, हमने रैम्प वॉक कर लिया वहाँ तक, हम जा रहे हैं अपने यूनिक फैशन उसमें। नाउ इन दैट सेंस इसके बाद में आपको एक पेपर में परफॉर्म करना है और वहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखनी है, समझ रहे हो, और वहां पे फिर आपके अंदर से वो आंटी बोलेगी लास्ट के 15 मिनट में, इसलिए ये एग्जाम टफ है, तैयारी की वजह से नहीं। अभी क्या तो ऐसे चल रहा है, और उन्होंने रिमोट पकड़ा हुआ है 36 दफा कम ज्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पीछे कोई आईवी के ऊपर चढ़ा हुआ है, टी 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 होता रहता है वहां से, राइट। ये नहीं है एनवायरमेंट, वहां पे फर्क पड़ेगा आपको, राइट। तो इसी वजह से आप लोगों ने जो ये एग्जाम्स वगैरह हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे, रेगुलरली रहो, उस आंटी के टच में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ नर्व्स के, और एक इन्वायरमेंट से वो नहीं करना, प्यार नहीं करना कि मैं वहीं पढ़ूंगी या मैं वहीं पढ़ता हूँ, वहाँ पे अलग बेंच मिलेगा जो हिल रहा होएगा। आई किड यू नॉट, इन ये आपका PCS एग्जामिनेशन, मेरे सामने वाले की OMR शीट ही फट गई थी गोला मारते हुए, क्योंकि नीचे छेद था, ये पटवारी का कोई एग्जाम था। आई एम नॉट किडिंग, दिस हैज हैपेंड फॉर नो मिस, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और ऐसे में आपको अपनी नर्व्स कंट्रोल करके वहाँ पे परफॉर्म करना है, राइट। और ये ट्रेनिंग के बिना नहीं होगा, है ना, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। आइए बच्चे, इनफ विद दिस स्टैंड अप, है ना, 4 बजे कैसी डोज चाहिए होती है ना, अब अगला 1 घंटा कट जाएगा आराम से। हमने लास्ट क्या लिखा था बच्चे, वो कौन से, मेघालय, ठीक है, आगे लिखिए ईस्टर्न द्वार्स, ईस्टर्न द्वार्स एलिफेंट रिजर्व, DOOARS, द्वार्स फॉर्मेशन, जो कि हमारे
ईस्ट ईस्ट के जो हमारे हिमालयस हैं वहाँ पे शिवालिक्स आर मिसिंग, वहाँ पे द्वार फॉर्मेशंस होती हैं, तो ईस्टर्न द्वार्स एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल, DOORS. नेक्स्ट इज मयूरभंज, MAYUR BHANJ, मयूरभंज उड़ीसा, शिवालिक ER, उत्तराखंड. नेक्स्ट वी हैव मैसूर ER, कहाँ ये, कर्नाटका. नीलगिरी, नीलगिरी ER, तमिलनाडु. एंड लास्ट वी हैव वायनाड, WAYANAD, वायनाड एलिफेंट रिजर्व इन केरला. ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने OIML सर्टिफिकेशन के बारे में बात करी थी, राइट? सो ऑब्वियसली इसकी न्यूज़ इस हफ्ते आनी ही आनी थी कि इंडिया में स्टैंडर्ड, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, इंडिया में स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं, कौन मेंटेन करता है. सो दैट इज़ योर BIS, ठीक है जी. और उनका एक इनिशिएटिव है कि जिसमें वो क्लब्स खोल रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, जिसको स्टैंडर्ड्स क्लब कहा जाता है, राइट? सो ये व्हाट इज द स्टैंडर्ड्स क्लब इनिशिएटिव, और जो इसके नेक्स्ट में है कि कैसे बनेगा, ये आप एक बार ही खुद देखना. वील जस्ट सिंपली मूव ऑन टू BIS, कि BIS क्या चीज है. ठीक है जी, आइए बच्चे. वो आपको याद है एक ISI मार्क को पहले बोलते थे कि ISI मार्क प्रोडक्ट है ना, वो आपका 2018 में चेंज होके वही ऑर्गेनाइजेशन आपकी BIS बनी है. उसका स्टेटस चेंज किया था, इंक्रीज किया था, उसके मैंडेट्स इंक्रीज हुए थे. सो इट इज़ द सेम ऑर्गेनाइजेशन. तो लेट स्टार्ट बाय राइटिंग दिस ओनली, क्योंकि कन्फ्यूज ना हो जाओ आप. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, डैश डाल के लिखे फर्स्ट पॉइंट, वॉज फॉर्मली नोन एज ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, was formally known as ISI, Indian Standards Institution. और ISI के मतलब उसके बारे में लिख लो ब्रैकेट में, formed in September 1946. formed ISI की बात हो रही है, formed in September 1946, registered under Societies Act. मतलब as a society registered थी वो, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पूरा नाम है उसका. बाय एनी चांस आपको ईयर पता हो इसका? सोसाइटीज है, बहुत पुराना एक्ट है, 1860. आज भी यही एक्ट चलता है बाय द वे, इसी एक्ट के थ्रू हमारी सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं, सेम एक्ट. स्टैचुटरी बॉडी, BIS के बारे में बात हो रही है, अ स्टैचुटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर BIS एक्ट 2016. फॉर्म्ड अंडर BIS एक्ट 2016 एज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया.
as the National Standards Body of India. BIS, this next point, represents India in ISO and IEC. And ISO, IEC हमने last class में cover किया था. Represents India in ISO, International Organization for Standardization, and IEC, International Electrotechnical Commission. It is under, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर होएगा ये? सारे इक्विपमेंट्स का स्टैंडर्ड ये डिसाइड करता है. लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, कौन से वाली? होम अफेयर्स, गुड गैस पर नहीं. कौन से वाली? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है. कंज्यूमर अफेयर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. पूरा नाम है उसका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें मैंडेटरी हॉल मार्किंग होगी है बीएस इस एक्ट के बाद में ना, सोने और चांदी मेटल के जितने भी प्रेशियस मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, मैंडेटरी बीआईएस ब्रांडिंग उसके ऊपर चाहिए अब से. और आईएसआई मार्क के अंदर ऐसा मैंडेटरी वाला कोई सीन नहीं था. इनके पास में एडिशनल पावर भी है. अब लिख लीजिए, हैज़ द एडिशनल पावर्स. एडिशनल मतलब पहले के मुकाबले एडिशनल. Additional powers for making hallmarking HALL hallmarking of precious metals or precious metal articles. Precious metal articles, hallmarking of precious metal articles mandatory, comma. ये वाला point सबसे ज़्यादा important है UPSC point of view से. Provision for repair or recall that do not conform to the relevant Indian standard. It can make a company recall all of the products अगर वह standard के हिसाब से नहीं है. और क्यों ये provision देना पड़ा is because, मतलब just आपको मैं आपके level पे बता दूं कि पहले ISI marking के लिए आपको product वहाँ लेके जाना पड़ता था. अब आपको BIS standard अगर चाहिए तो आप अपनी self assessment कर सकते हो और खुद को एक particular standard का बता सकते हो, right? Ease हो गया ये standardization के अंदर. That is why जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स क्लब, ये क्वालिटी एज अ हैबिट को ग्रास रूट पे लेके जाना चाह रहे हैं. कि क्वालिटी कोई एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं होता है, इट इज द वे यू एक्ट थ्रू आउट. ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात नहीं होती है क्वालिटी, है ना, कि आपने एक कोई बहुत हाई क्वालिटी के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया, राइट? ऐसा नहीं है. क्वालिटी इज थ्रू आउट. आप एक क्वालिटी पर्सन बनते हो, आपकी प्रोडक्शन एक क्वालिटी प्रोडक्शन बनती है, राइट? मेरा कोट नहीं है ये, एरिस्टोटल का कोट है. उन्होंने डिफाइन कर दिया था पहले की क्वालिटी क्या चीज़ है, कि ये कोई इवेंट नहीं है, ये हैबिट है. नेक्स्ट इज न्यू एरियाज आइडेंटिफाइड. इसी के अंदर जो नए एरियाज कौन से हैं जिसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए BIS को मैंडेट दिया गया है. इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा. न्यू एरियाज आइडेंटिफाइड, है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो पूरा, इन स्टैंडर्डाइजेशन.
new areas identified in standardization are colon next point, मतलब कौन कौन से हैं, हर एक चीज पे गौर करना, alternative fuels, उसकी standardization भी BIS कर रहा है, e-mobility, medical devices, excuse me, smart cities, digital technologies, new and renewable energy. डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या समझे आप? वन ऑफ दी, थोड़ा सा ब्रॉड करो इसको. मोबाइल फोन तो एक प्रोडक्ट हो गया ना पर्टिकुलर चीज का. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. आपका लिखना है ब्रैकेट में डाल लीजिए, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें. इंडस्ट्री 4.0, ये सब कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी. एंड आपके वाला पॉइंट, ठीक है जी. और व्हेन वी, जब हमने वो प्रेशियस मेटल लिखा था ना, तो उसके अंदर दो के अंदर तो मैंडेटरी ही है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है. और थोड़े से टीथ प्रोवाइड किए गए थे BIS को, ये पेनल्टी लगा सकती है अब. चलिए आगे चले. नाइन्थ करंट अफेयर जो है आपका बच्चे, राइट. IKS विच इज कॉल्ड द इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके अंदर में जितनी भी आपको देसी नुस्खे, जितनी भी आपकी देसी गेम्स, लोकल नॉलेज, ये वो सबको कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है, राइट. और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ कुछ जुड़ता जा रहा है, जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो सबका एक डेटाबेस बनता जा रहा है. सो IKS इज वर्किंग ऑन दैट, राइट. कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इन्होंने 5-6 गेम्स इसमें ऐड करी थी, जिसमें से एक सर्प राजू गेम है ना, वो दिस वन इज दैट गेम, राइट. द मोर इलेबोरेट वन, जो कि हमारे ट्रेडिशन में पहले खेली जाती थी, राइट. ये आपको डिफरेंट लोक्स की यात्रा करवा रहे हैं इसके थ्रू. उसका एक बहुत डम डाउन वर्जन है जो आप लोग खेलते थे, राइट. बहुत ही डम डाउन वर्जन है. इसके अंदर हर एक चीज के अंदर सीख है साथ में, है ना. जो अब जो महंगे स्कूल्स पिछले कुछ 5 साल से कर रहे हैं, है ना, लर्निंग वाइल प्लेइंग, हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं जिसको, फील्ड ट्रिप्स पे जाना, ये सब तो ये बहुत पहले से होता आ रहा है ये, राइट. सो उसको कंसोलिडेट करने का एक सिस्टम है ये. पढ़ी बच्चे आइए, देखिए IKS क्या चीज है. इट्स एन इनोवेटिव सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है. और अगर आप IKS में क्यों ये लेके आया हूं आज, ये एक बार ना IKS की साइट पे जाना, और इनकी रिपोजिटरी वहीं पे अवेलेबल है. अगेन कंसोलिडेशन ऑफ डेटा जो मैं बात कर रहा था उसका एक और एग्जाम्पल यही है, राइट. वहां पर जब आप साइट पर जाओगे आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितने वेरिड एरेनास को कवर कर रखा है. एंड वहाँ पे एक ऑनगोइंग रिसर्च का एक कॉलम आएगा, राइट. ऑनगोइंग रिसर्च कि अभी राइट नाउ इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोफेसर या कहाँ पे, और इंडिपेंडेंट लोग भी क्या रिसर्च कर रहे हैं, राइट. तो थोड़ा शायद आपका भी कोई अपॉर्चुनिटी खुले आपके दिमाग में. कोई वैदिक फिजिक्स के ऊपर बात कर रहा है ना, सम पीपल आर टॉकिंग की आर्यभट्टा की मैथमेटिक्स को डिकोड करना, है ना. तो हो सकता है उससे कुछ नई चीज़ें निकल के आए, क्योंकि सब कुछ तो सबको नहीं पता.
तो इस टाइप के सिस्टम से है ना हमें उन सब चीज़ों को टैप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। विश्व गुरु बनना है तो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा उस तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव हमारी वेरी फ्रेंडली कंट्रीज जो बीच बीच में पंगा ले लेती हैं हमसे, है ना, ये सब चलता रहेगा। वो यही है, उस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें हमें, जितनी स्ट्रांग हमारी ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा शील्डेड हम रहेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन से, राइट। चलिए, इसका काम बस इतना ही था, आपको थोड़ा सा ये विजुअली दिखाना था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या, वो क्यों ये करना चाह रहे हैं, राइट। और अगर आप इसका थर्ड लास्ट पॉइंट देखेंगे, जो अदर पॉपुलर गेम्स हैं वो आपका लंगड़ी टांग, जेवलिन थ्रो, है ना, पतंग उड़ान और ये सब, राइट। आइए बच्चे, आई थिंक एक टॉपिक मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डालना भूल गया हूँ, राइट, है ना। टॉपिक नंबर 8 बच्चे, मिसिंग है वो, कोई बात नहीं, आइए इसमें देखिए आप। सो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने इंडिया को एक फीट ग्रांट कर दी है, राइट, और हम वहां पे रिकॉग्नाइज्ड है वहां से। WFME क्या चीज है सबसे पहले वो देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप अपनी एजुकेशन को, कोई भी अगर आपकी कोई डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है मेडिकल फील्ड के अंदर, अगर उसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ में, राइट, सो यू हैव टू कन्फॉर्म विद द स्टैंडर्ड्स सेट बाय WFME। और अब हमें इसका ग्रांट मिल गया है, हमें क्या मतलब, हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन को इसका ग्रांट मिल गया अगले 10 साल के लिए। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे WFME के साथ में एफिलिएटेड माने जाएंगे। जितनी भी अब डिग्रीज निकलेंगी वो वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेंगी, ठीक है, जितनी भी डिग्रीज यहाँ से निकलेंगी मेडिकल फील्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेंगी। जितने भी नए कॉलेजेस खुलेंगे वो भी इसके अंदर कवर्ड होंगे। सो यू विल सी अ बूम इन ओपनिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। तो ये जो डॉक्टर्स की कमी होती है थोड़े समय बाद ये शायद आपको कम होती हुई दिखेगी, एंड इंडिया कैन बिकम अ सप्लायर ऑफ डॉक्टर्स टू, अभी भी है सप्लायर ऑफ डॉक्टर्स टू द वर्ल्ड, लेकिन अदर सेंस में सप्लायर ऑफ डॉक्टर्स कैसे, यू गिव योर मैन पावर टू अस, यू गिव योर टैलेंट टू अस, वी विल ट्रेन देम एंड गिव यू बैक द डॉक्टर्स, है ना। तो इंडिया वैसा हब भी बनेगा इसके बाद में। और इसकी क्या इंप्लीकेशन है कि पहले अगर आपको बाहर जाके कहीं पे ऐसे डॉक्टर वॉक्टर की उसमें जाना होता था रैंक में, तो आपको वहीं से डिग्री करनी होती थी, है ना। अब ऐसा नहीं, अब मास्टर्स कर सकते हैं वहाँ जाके अब सीधा, क्योंकि आपकी डिग्री है मान्य होगी है वहाँ पे, राइट। तो ये इस चीज़ की इंप्लीकेशन है। आइए बच्चे, आपको पता है यूक्रेन, वैसे अभी तो क्योंकि थोड़ा सा क्लेश चल रहा है, पर यूक्रेन में हमारे इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रेन हुए हैं। यूक्रेन इज़ अ एक हब होता था यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन के लिए, तभी जो मोस्टली जो वहाँ से लोग निकाले गए थे इंडियन ओरिजिन के या इंडियंस, वो देवर स्टूडेंट्स एंड देवर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो यूक्रेन वॉज नोन फॉर दैट। इसका थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, WFME का, इट वॉज फाउंडेड इन 1972 बाय WMA, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, IFMSA एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे बच्चे, ऑल द 706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज इन इंडिया विल बिकम WFME accredited, सारे। और अगले 10 साल में जो भी न्यू मेडिकल कॉलेज आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, दे विल ऑल्सो इमीडिएटली गेट accredited साथ में। इम्प्लीकेशंस की बात ही हो रही है यहाँ पे, इट विल एनेबल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, है ना, एंड प्रैक्टिस इन अदर कंट्रीज, राइट, इंक्रीज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन,
रेपुटेशन बढ़ेगी आपके डॉक्टर्स की, आपके कॉलेजेस की, राइट, अब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर माने जाएंगे तो. एंड लास्ट इज कि अब एकेडमिक एक्सचेंजेस एंड कोलेबोरेशन भी पॉसिबल हैं. इसके अलावा कोई अगर इसमें कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो आप बता सकते हो. और क्या होगा? मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा. गुड पॉइंट. अने इसमें मेंशन बोलो बोलो. हाँ, हम लोग अब एजुकेशन दे सकते हैं ना. लिख लो यहाँ पे इसको साथ में. इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान विल अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. यही पॉइंट बोल रहे हो ना आप? ठीक, लिखे लिखो. विल अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और आपने क्या बोला था बच्चे? मेडिकल टूरिज्म. देखो मेरे को डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन दिख नहीं रही है मेडिकल टूरिज्म के ऊपर. इसमें मेडिकल टूरिज्म डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग. उसमें आपको मेडिकल वीज़ा, जो उसका अलग प्रोसेस है मेडिकल टूरिज्म का. पर अगर हम ये सब इनडायरेक्ट है, मतलब अगर इसका वो बनाओगे, डायग्राम बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसे बनेगा कि दिस विल लीड टू दिस, देन वी कैन से दैट मेडिकल टूरिज्म, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा. ये मैं ये चाह रहा हूँ. तो वही तो लिखा हमने, वील अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो इसीलिए इंडिया में हमारी कॉस्ट कम होगी डिग्रीज की, आपका लिविंग की कॉस्ट कम होगी, तो बाहर से बच्चा यहाँ आएगा पढ़ने. उनको बेनिफिट होगा. सही है. आई थिंक वो तो इसमें कवर्ड है ना बच्चे. ब्रेन ड्रेन बढ़ेगा, वो तो वैसे भी हो ही रहा है. मैं बता रही हूँ बढ़ेगा. तू मान नहीं रहा है मेरी बात. हाँ, सोचो सोचो, करो, वही काम है आपका इकलौता. मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग. हाँ बिल्कुल. वो रीजन नहीं है, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है ये. ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है, बट आपकी आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर. आप समझो बात को, वो उतनी ही है. ये कोई ड्रामेटिकली सीट्स नहीं इंक्रीज करने वाला, कुछ ड्रामेटिक नहीं होगा इसके बाद में. एक्रेडिशन बढ़ी है, आपके डॉक्टर्स की मान्यता बढ़ गई है बाहर बस. ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. तो लिख देते हैं इसको, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेन ड्रेन. ऑपोजिट में हो सकता है. हाँ, लिखने पे होगा, तुम कुछ भी लिख दोगे. एक यहाँ पे ऑनलाइन इनका है, बिल्कुल सही है, इमर्जिंग है सॉफ्ट पावर, है ना. पर ये भी थोड़ा सा अम्ब्रेला टर्म हो गई है. हम पूछ रहे हैं कि इमर्जिंग है सॉफ्ट पावर कैसे, कैसे मतलब. नहीं, मैं उनका पॉइंट ऐसे समझाऊं कि ये हम अगेंस्ट लिख रहे हैं इसके ऑपोजिट का मतलब. मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे होगा कि अगर किसी ने मेडिकल रिसर्च करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, और इंडिया का मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो वो वहाँ से अपनी रिसर्च फैसिलिटी लेके यहाँ आ जाएंगे और सीधा कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि अब अगर यहाँ जो रिसर्च होगी वो वहाँ भी चलेगी. तो ऐसे आपका रिवर्स ब्रेन ड्रेन. कन्विंस्ड हो? यही काम है हम लोगों का, हम सबका, कि कोई भी बात किधर भी घुमा के, किधर भी डाल, कुछ भी, राइट, लॉजिक पकड़ के बस. हमारा अब इसको थोड़ा सा और समझो, बहुत आसान भाषा में. हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिलेगा, लिख लो.
एक्सेस टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं हम। एक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कल्चर ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया था, जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हो यू हैव टू इंश्योर योर क्वालिटी, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर काम करने वाला है। क्वालिटी एश्योरेंस मान लो किसी ने एक शायद आप ये एंगल ना सोच पाओ खुद से, बाहर अगर किसी ने येट अगर किसी ने एडमिशन लेनी है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, राइट, हालांकि एक्रेडिटेड हो गया अभी ये, लेकिन अगर बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो अभी टेस्टिंग के लिए ना बहुत दिक्कत आती है कि जो ऑनलाइन टेस्ट आपको लेने पड़ते हैं, सेंटर्स इंडिया में एक या दो ही सेंटर बनेंगे, यू हैव टू फ्लाई टू दैट सेंटर और ये सब होता है। अब एग्जामिनेशन सेंटर बन सकते हैं कॉलेज में उनके, अब सारे कॉलेज अब एक ही स्टैंडर्ड पर आ गए हैं अगर, तो जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन हैं वो आपके इंडिया में कॉलेजेस में हो सकती है। बिल्कुल, कोलैबोरेशन का मतलब ही वही है, नॉलेज शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोलैबोरेशन का मतलब ही यही है। और उन्होंने कौन सा एक रैप कर रहा है और दूसरा गाना गा रहा है, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है बच्चे, चलें आगे। इसमें आपका एनएमसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। आपने बचपन में वो एड्स देखी होंगी ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वही है, इसका नाम चेंज हो गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया अब, ये वही वही चीज़ है। दोनों बीआईएस का भी नाम चेंज हुआ था और आईएसए का नाम चेंज हुआ था, और एक इसका एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लिख लीजिए एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनएमसी एक्ट 2019। नेक्स्ट पॉइंट एनएमसी, फटाफट लिखते हैं, एनएमसी रिप्लेस्ड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1934। टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब पूरी स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं मैं, लिखवा नहीं रहा हूं आपको, पर समझ रहे हो ना आप, टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपके एनएमसी से एसोसिएटेड है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एसोसिएटेड है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके बाकी कॉलेजेस हैं वो यूजीसी के अंडर जाते हैं और जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। ठीक है, फर्क है दोनों चीज़ों में, इसलिए ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब बेसिक सी चीज़ है ये पर कन्फ्यूजिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पूरा नाम। स्टैट्यूटरी बॉडी हमने लिख लिया है ना, 2019 का एक्ट। ठीक है बच्चे, चलें आगे। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ फोर ऑटोनॉमस बॉडीज, ये एक आधा नाम रिप्लेस करेगा यूपीएससी और आपको पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। कमीशन कंसिस्ट ऑफ फोर ऑटोनॉमस बॉडीज, UGMEB, अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, नेक्स्ट इज PGMEB, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड,
Next we have Medical Assessment and Rating Board. Medical Assessment and Rating Board. Last is Ethics and Medical Registration Board. एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, चार ऑटोनोमस बॉडी है इसके अंदर जिसके थ्रू ये फंक्शन करता है. आइए बच्चे, नेक्स्ट इज दिस वन, ऑपरेशन सजग. कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑर्गेनाइज हुई थी हमारे लिए. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कम इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको हम कम पढ़ते हैं राइट. तो थोड़ा सा देख लीजिए, देख लीजिए ऑपरेशन सजग कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल किसने किया है, आपकी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने, अलॉन्ग दी वेस्ट कोस्ट. यहाँ तक आपका इन्फॉर्मेशन बहुत है. लेट्स मूव ऑन टू ICG कि ICG क्या चीज़ है अपने आप में. आर यू गाइज फेमिलियर विद दी लॉ ऑफ सी, UN क्लॉज लॉ है ना 1982 राइट. सो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसको हम अपने टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स राइट. तो दिस इज नॉट योर कन्वेंशनल माइल्स, अलग होता है टेरिटोरियल वाटर्स. देन वी हैव कंटिग्यूस जोन, देन वी हैव आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और अगर एक्सटेंडेड वो EEZs, अगर आप कुछ बेसिक जो कंडीशन है उसको पूरा करते हैं राइट. सो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जो आपका काम करता है दैट इज़ योर लोकल पुलिस है ना. तो 12 नॉटिकल माइल तक वहाँ पे जो बोट्स होंगी वो अगर मुंबई के पास है तो मुंबई पुलिस, इनकी आपको बोट्स दिखाई देंगी. बियॉन्ड दैट अप टू योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे आपका काम करता है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, और नेवी कहीं भी कर सकता है. एंड वैसे हाई सीज और बियॉन्ड जो है इट इज़ द इंडियन नेवी विच वर्क्स इंडियन उसके बाद में राइट. चलिए ये थोड़ा सा आपको बता रहा था कि काम कहां कर रहा है ये. लेट्स राइट समथिंग अबाउट ICG इंडियन कोस्ट गार्ड्स. एस्टैब्लिश्ड इन 1978 by the Coast Guards Act 1978, established in August 1978 by Act के through. इसी को continue करके लिख लो, as an independent armed force of India. अब क्योंकि armed force है तो किस ministry के under हुई है, defense, ministry of defense. तो ये थोड़ी सी confusion रहती है कि ये paramilitary force तो नहीं है ना, कि होम अफेयर्स के अंडर ना हो ये राइट. सो इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग ICG केम इनटू, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग ICG केम इनटू बीइंग आफ्टर द 1971 वॉर. उसके बाद में जो हमारी आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं 65-71 के बाद में, उसका नतीजा है ये. बाय द वे लास्ट ईयर आई थिंक एक योजना मैगजीन आई थी, अगस्त का शायद स्टैंड उसमें एडिशन था वो, तो उसमें उन्होंने पूरी ऐसे इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस की ना एक जर्नी दिखाई हुई थी कि कैसे हमारे उसके अंदर चेंजेस आए थे. कि हम पहले एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू बी 47 के बाद में वी वर ट्राइंग टू बी ए डिफेंस फोर्स, लेकिन 65-71 के बाद में समझ में आया कि डिफेंस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन हमारे पास, वी हैव टू चेंज एवरीथिंग.
पहले उससे पहले के जो हमारे ऑफिसर्स थे दे वर वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ, उनका मेंटल एटीट्यूड भी थोड़ा डिफेंसिव में था, शांति प्रिय टाइप, राइट. उसके बाद में 71 के बाद थिंग्स चेंज. जो वॉर हीरोज थे उनको ट्रेनर्स बनाया गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर चेंज किया गया एंड उसके बाद में वी सॉ एग्रेसिव लीडर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेज में होने भी चाहिए. एंड उसके बाद में इंडिया की जो आर्मी है वो स्ट्रांग होती गई. एंड उसके बाद में वी सॉ अ फ्यू वॉर्स जहाँ पे इंडिया डिड नॉट लूज आफ्टर दैट, राइट. दैट इज़ बिकॉज कि हमारा स्टैंड पहले कुछ और था, नया नया नेशन बना है ना, गुडविल में आना चाह रहा है. सो ऑल्सो देर इज इस थ्योरी कि आर्मी रखना भी नहीं चाह रहे थे, शांति प्रिय देश की बात होने हो रही थी, है ना, कि हमें चाहिए ही नहीं. हमने जब अटैक नहीं करना किसी के ऊपर, डिफेंस करने के लिए थोड़ी बहुत है, और हम जब हम किसी पे अटैक नहीं कर रहे तो हम पे भी कोई क्यों ही करेगा. है ना, सच अ क्यूट थिंग. इमीडिएटली 47 में बबल बस्ट हुआ हमारा, फिर बार बार हुआ बबल बस्ट, राइट. अब जो हमारा स्टैंड आपको दिख रहा है, राइट, कौन सा स्टैंड, जो अभी हम एग्रेशन पे हैं थोड़ा सा, राइट, वो दैट डॉक्ट्रिन घर में घुस के मारेंगे डॉक्ट्रिन, है ना, मीडिया उछालती है इस चीज को. दीज आर दोज लीडर्स जो कि उन लीडर्स के थ्रू बनाए गए थे, राइट. उस समय पे जो लीडर्स निकले उनका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है राइट नाउ. दैट इज वाई यू सी कि अगर कोई उरी अटैक हो रहा है तो हम रिटेलिएट कर देते हैं, राइट. तो दीज आर द लीडर्स. तो इस तरीके दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड किसी भी चीज़ की एवोल्यूशन क्यों होती है. तो उस जब वो 71 में जो चीज़ें शुरू हुई थी उसका जेस्टेशन आज चल रहा है, वो वाले जनरल्स आज ऊपर टॉप पोजिशंस में आए हैं एंड दे आर एग्रेसिव इन नेचर, राइट. एंड द केस ये होना भी चाहिए, बल्कि जैसे अभी तो कम हो गया ये, बट अब से कुछ साल पहले तक लाइक 2010-20 अब फिर से थोड़ा सा नरम साइड पे जा रहे हैं लीडरशिप. मेरे वर्ड्स नहीं है ये, कर्नल कक्कड़ हैं उनके वर्ड्स हैं ये. तो अब फिर से थोड़ा उस तरफ को जा रहे हैं, लेकिन बीच को आपने देखा था कि आर्मी वाले वर वेरी एग्रेसिव अबाउट देयर थिंग्स, ट्रू ऑल्सो एंड एग्रेसिव ऑल्सो. सो उसका ये कारण है. आइए बच्चे आगे देखते हैं. आईसीजी वॉज कंसीव्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ रुस्तम जी कमेटी. रुस्तम जी, RUSTAMJI, एक ही वर्ड है, रुस्तम जी कमेटी. मेरी फॉर इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया. फॉर इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 5 कोस्ट गार्ड रीजन्स. कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार. एक ये पॉइंट आप इसमें जरूर लिख लीजिए, हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर टेरिटोरियल वाटर्स, उसके ऊपर भी है लेकिन एक्ट कम करते हैं उस पर, वो टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिग्यूस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिग्यूस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जिसको नहीं पता ये क्या चीजें हैं, आप यूएन क्लॉज पढ़ेंगे, आई थिंक ज्योग्राफी का पार्ट बनता है यूएन क्लॉज. नाउ 1 नॉटिकल माइल इज हाउ मच किलोमीटर्स, एनीवन? इट्स 1.85.
माइल्स का अलग होता है, नॉटिकल माइल्स का अलग होता है. नॉटिकल माइल इज लॉन्गर, 1.85 किलोमीटर. चलिए शुरू करें फिर अगला. चलो इतनी छूट है कि आपके पास टांगे हैं, दरवाजा है और हाथ हैं. इनके कॉम्बिनेशन से एक एक्शन हो सकता है. टांगों से उठो, हाथ से दरवाजा खोलो और निकल जाओ. ठीक है, मुंह नहीं इस्तेमाल करना. आ जाओ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा. ये टॉपिक को ना दो एंगल से देखा जाएगा. वीमेन रिजर्वेशन बिल आया है ना, और पता ना सबको क्या हो रहा है इसमें. लोकसभा में पास हो गया ये वाला बिल, और जो 33% सीट्स हैं इन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके अंदर 33% रिजर्वेशन कर रहे हैं वीमेन के लिए. राइट, दो एंगल कौन से बनेंगे इसके अंदर. एक तो आपका एंगल बनेगा क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल, कि बिल में क्या चीज है उसका क्रिटिसिज्म. राइट, जैसे मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से अगर मैं बहुत आसान भाषा में बता दूं, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करी है, काउंसिल्स की बात ही नहीं करी. तो लोकसभा के अंदर तो होगी, राज्यसभा के अंदर नहीं होगी. राइट, तो बिल ने इसको छोड़ ही दिया कंप्लीटली. एक तो ये है. दूसरा, विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट इन जनरल एक टॉपिक. राइट, एक बिल का क्रिटिसिज्म कि बिल में क्या लिखे, क्या क्या होना चाहिए था. दूसरा आपका जो टॉपिक बनेगा दैट इज कि पार्लियामेंट के अंदर क्या है, इसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए. आइए बच्चे देखते हैं थोड़ा सा बिल के ऊपर. सीरियसली जो जाना चाहता है वो जा सकता है, नो नीड टू. यहाँ पे ये थोड़ा डिस्कशन बेस्ड ही रहने वाला है. राइट, आइए. इसमें बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दैट इट विल बी रोल्ड आउट ओनली आफ्टर द डीलिमिटेशन प्रोसेस इज ओवर. और अभी तक उसका कोई भी आया नहीं है कि कब पूरा होगा. प्रॉबेबली अराउंड 2029 है ना, तो ये इमीडिएट इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है. ठीक है जी, क्या कर रहा है ये, की पॉइंट्स में देख लीजिए एक बार. सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल वीमेन सीट्स, ऑफ ऑल सीट्स फॉर वीमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जी, इसका क्रिटिसिज्म भी बनेगा बाय द वे. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि दो एंगल कैसे देखने हैं. दो एंगल समझने के लिए आपको विमेन रिजर्वेशन तो एक अलग टॉपिक है. राइट, बिल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग टॉपिक है. उसके क्रिटिसिज्म देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बोला गया बिल में. द एलोकेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी. ये अभी कुछ नहीं पता इसके ऊपर, तो अगर आप इसके ऊपर कोई न्यूज़ व्यूज़ देखोगे तो सब हवा में है फिलहाल. राइट, बहुत हेस्टीली निकाला जा रहा है इसको. लास्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन शेल सीज टू एग्जिस्ट 15 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट. 15 साल के लिए बोल रहे हैं. राइट, जैसा कि बाकी एक्ट्स में भी बोला गया था है ना, पर एज द पॉलिटिक्स विल डीपन है ना, तो वी विल सी कि इसको रिन्यू करते रहेंगे अनदर 15 ईयर्स, अनदर 15 ईयर्स. तो इफ इट कम्स इट विल कम. ट्रेंड देखा गया है, मतलब नॉट माई स्टेटमेंट बट इट इज वॉट द ट्रेंड इज टेलिंग. ओके, नाउ लेट अस हैव सम आर्ग्यूमेंट फॉर द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट. बताइए. ठीक है, ही इज सेइंग, मतलब आप फेवर में ये बोल रहे हो कि क्योंकि पॉपुलेशन परसेंटेज 50% के करीब है, 49 point something, 50% के करीब है. राइट, तो हमको रिजर्वेशन देनी ही चाहिए. और कोई और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके ऊपर. एम्पावरमेंट, जेंडर गैप जो हमारी रिपोर्ट है उसके ऊपर. तो अभी उसको खत्म करने
आपको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, है ना, इसलिए लोकसभा के अंदर आप एमपी से। पेट्रियार्कल कंट्रोल रहता है उसमें कि खड़ा उसको कर दिया बन, क्रिटिसिज्म में जाएगा ये। मैं फॉर पूछ रहा हूँ, फॉर। आपका क्या पॉइंट था अभी? हाँ हाँ रिपीट करो, एक ही दिया आपने, वही वाला बता दो। इस पॉइंट को ना थोड़ा रियलाइज करो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो इस बात को। वीमेन सेंसिटिव डिसीजन ले सकती है, वीमेन बेटर। इस ये दोनों चीज में ना एक आप एक कॉमन चीज एक हाईलाइट हो रही है, समझना इस बात को। यू आर कंसिडरिंग वीमेन एज अ होमोजेनियस ग्रुप, वीमेन इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप। आप लोगों की शहर में जो प्रॉब्लम है कि जोमेटो डिलीवरी वाला लेट आया था, वर्सेस मणिपुर के अंदर राइट नाउ जो वीमेन की प्रॉब्लम है, दे आर नॉट सेम। एक समझ रहे हो, ये एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब हम कास्ट बेस्ड एक वो देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, तो उस पूरी कास्ट की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो ये सब थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वीमेन इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप। आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो उनकी प्रॉब्लम से अलग होगी, राइट? और सोचो, लिख लीजिए आर्ग्यूमेंट्स फॉर में, लिख लीजिए आप। आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ये हम बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक इनका पॉइंट जाएगा, विल एंश्योर वुमेन्स इश्यूज आर डिस्कस्ड मोर इफेक्टिवली। उठते अभी भी हैं, डिस्कशन इफेक्टिव हो जाएगी। समझ रहे बच्चे पॉइंट आप, कि कैसे इसको आर्टिकुलेट करेंगे हम? उठते अभी भी हैं मुद्दे, लेकिन उसकी डिस्कशन इफेक्टिव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। डिक्रीजिंग या फिर इंप्रूविंग द रैंकिंग इन ग्लोबल जेंडर गैप, उसमें क्योंकि उसका पैरामीटर ही है, अगर आपने रिजर्वेशन दे दी, नंबर ऑफ वुमेन बढ़ा दिए, तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। करंटली इंडिया की रैंक 127 है 146 में से। एसडीजी गोल्स लिख लीजिए, एसडीजी गोल्स। एक क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंटली पैट्रियार्कल, तो ये थोड़ा वो वाला डायनेमिक चेंज करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंटली पैट्रियार्कल, देयरफॉर इट विल बी अ अफर्मेटिव एक्शन। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मतलब मैनी ऑफ द केसेस के अंदर देखा गया कि पंचायत, जैसे उन्होंने बात कर रहे थे, वुमेन आर सीन एज अ मियर रबर स्टैम्प। वो देखा एक पंचायत, एक सीरीज आई थी आई थिंक अमेजोन के ऊपर, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कि उनके हस्बैंड को प्रधान जी बोला जा रहा है क्योंकि वो सीट वुमेन की उसमें आ गई है, है ना। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं वहां पे ये पॉइंट 100%। घुमा फिर आगे लिखना, पर थोड़ा सा मुद्दा क्लियर है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या हो सकते हैं? विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना इसके अगेंस्ट, एक बारी थोड़ा ब्रॉड करके सोचो ये हो क्या रहा है। डजंट मैटर, फिर भी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अच्छा, अब बिल के अगेंस्ट जा रहे हो, बिल नहीं, अगेंस्ट दी रिजर्वेशन। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया, दो अलग मुद्दे हैं। बिल छोड़ो, बिल में तो बहुत कमी है। हाँ जी, हमें
तो वो तो फॉर हो गया ना। हाँ राइट। और रोटेशनल बेसिस पे भी होगा ये कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड आपकी स्टेट है ना, तो अब अगर 33% रिजर्वेशन देनी है तो पहले इस सेट ऑफ उनको मिलेगा, फिर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर अगले सेट में रिजर्वेशन चली जाएगी, तो जो आपका एमपी वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है, जो री इलेक्ट होना चाह रहा होएगा, उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है काम करने का, वो तो जेब ही भरेगा कि मुझे पता है अगले इलेक्शन में रोटेशन होगी और मेरी सीट के ऊपर एक वुमेन को खड़ा होना पड़ेगा, रिजर्वेशन होगी। समझ रहे, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। रोटेशन वाली नहीं होगी सॉल्व, नहीं होगी। नहीं वो सही बोल रहे हैं, उसमें वो ड्रॉबैक है। वो डिलिमिटेशन कमीशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो बांटता है ना, जेंडर के हिसाब थोड़ी बांटता है। बिल्कुल, वो भी है। दूसरा आप ऐसे सोचो यार, आप लोग ना वोटर्स हो, आपकी नहीं चॉइस लिमिट होएगी यार। आप अगर किसी लोकल कोई आपको बंदा पता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है, लेकिन बारी वो आ गई उसमें विमेन रिजर्वेशन होगी उसके अंदर, अभी कोई मनाही तो नहीं है ना किसी कैंडिडेट विमेन कैंडिडेट को किसी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन व्हेन द गवर्नमेंट सेज कि इस पे सिर्फ विमेन खड़ी होगी, तो एज अ वोटर आपकी चॉइस ही खत्म होगी। सो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक एक आर्ग्यूमेंट निकलेगा इसका बहुत स्ट्रांग, राइट? लिख लीजिए, पहले तो यही, वुमेन डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस ग्रुप। ये समझ में आ रहा ना पॉइंट, वुमेन डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस ग्रुप? बस ये आखिरी है, फिर चलते हैं। वुमेन डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस ग्रुप, विल रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। एक एमपी का काम होता है डेमोक्रेसी के अंदर, इसीलिए हम एजुकेशन वगैरह पे कम बात करते हैं, क्योंकि उसका काम ये नहीं है कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए आपके एमपी को कि आपकी लोकेलिटी के, तभी वो लोकली चुनते हैं कि आपकी लोकेलिटी के अंदर कॉमन इश्यूज हैं क्या, राइट? तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके जेंडर से, किसको पता हो सकता है किसको नहीं पता हो सकता है। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। इसके अलावा जो अभी हम वो वाला पॉइंट बोल रहे थे यार, रोटेशन वाला, उसको भी आर्टिकुलेट किया जा सकता है। द रोटेशन ऑफ द रिजर्वेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एन एमपी टू वर्क। Will reduce the incentive of an MP to work. ठीक है बच्चे, तो आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो इसी पे है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Women reservation in parliament, women reservation in parliament is a win for women empowerment but a concern for democracy and doctrine of equality. क्योंकि ये टॉपिक बहुत नेसेंट है, आई विल गिव यू सम विगल रूम, फुल स्टॉप, कॉमेंट। ठीक है।
करो मेरा दिमाग खराब अपने आंसर्स में, गिव मी सम आंसर्स ऑन दैट. ऑल राइट, जो जो रिमेनिंग आपके दो टॉपिक्स हैं इसको आप एक बार ही खुद पढ़ लेना, राइट. सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों इन्फॉर्मेटिव हैं, डिस्कशन कम है उसके अंदर. एक ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन बच्चे आपको मैं देखता हूँ यार, ये ऑनलाइन वाला जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, लेट मी फिगर आउट, मैं आपको इसको दो दिन के अंदर सॉर्ट कर देता हूँ. थैंक यू सो मच. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट. ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से